फ्रेंड्स फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल बाइसा किचन हिंदी में। और फ्रेंड्स आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ यहाँ पे मसाला मैगी। और मैगी खाना सभी को बहुत पसंद है, तो यहाँ पे देखते ही आपके मुंह में आ गया होगा पानी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैगी के 3 पैकेट लिए हैं और यहाँ पे ये 2 मिनट नूडल्स पैकेट है। बिल्कुल 2 मिनट में बन जाती है मैगी, मगर थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने के लिए आप इसको थोड़ा फ्राई करके बनाएं तो ये बहुत टेस्टी लगती है। और वैसे आप इसको पानी में बॉईल करके भी बना सकते हैं और मसाला ऐड करके भी ये बन जाती है, मगर थोड़ा सा इसमें अगर प्याज ऐड कर देते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है खाने में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैगी में एक पैकेट निकलता है मसाले का, साथ ही ये मैगी निकलती है इस तरह से पूरी बंधी हुई। तो इसको आपको बिल्कुल टुकड़े टुकड़े नहीं करना है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको किस तरह से इसको तोड़ना है ताकि ये बनने के बाद में बिल्कुल लंबी लंबी निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको पीसेस करने हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से पीस कर लिए हैं और आपको ज़्यादा टुकड़े नहीं करने, ज़्यादा टुकड़े कर देंगे तो जो इसका खाने का मज़ा है ना लंबी लंबी मुँह में जाती है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और जो मसाला था वो यहाँ पे देखिए मैंने कटोरी में निकाल लिया है, 3 पैकेट खाली कर लिए हैं कटोरी के अंदर मसाले के। और पहले आप मसाला इसी तरह से खाली कर लें, साथ ही गैस पे रख दिए कढ़ाई, इसमें तेल ऐड कर दिया 1 छोटा चम्मच और तेल मारा हो चुका है यहाँ पे गरम। तो यहाँ ऐड करेंगे प्याज बारीक कटी हुई, आप रफली कटिंग करके भी प्याज ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और प्याज को हल्का सा तेल में फ्राई करके, टमाटर ऐड करके, हरी मिर्ची ऐड करके अगर आप मैगी बनाते हैं तो जो उसका स्वाद है वो वैसे ही दुगना हो जाता है, क्योंकि मैगी तो वैसे ही बॉईल करके भी खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि कौन प्याज काटेगा और कौन इतना झंझट करेगा, इस तरह से मैगी बना के खा लेते हैं, मगर यहाँ पे देखिए अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो मैगी भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। हरी मिर्ची ऐड कर दिए मैंने 2 बारीक कटी हुई, और अगर आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो हरी मिर्ची को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को स्पाइसी कम पसंद होता है और मिर्ची बच्चों को नुकसान भी करती है। तो यहाँ पे देखिए प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आपको, सब्ज़ी जितना हल्का सा यहाँ पर आपको इसको प्याज को सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना है, तो इसका हल्का सा जो कच्चापन है वो बहुत टेस्टी लगता है मैगी में। तो यहाँ टमाटर ऐड कर देंगे 2 बारीक कटे हुए और टमाटर को भी एक बार मिला लेंगे। आप इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची कुछ भी ऐड नहीं करें, बस आपको यहाँ पे टमाटर और इस तरह से ये ऐड करने हैं। और अगर आपके पास मटर है तो आप मटर भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे जो आपकी मैगी है वो बहुत टेस्टी लगेगी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैगी बनाते समय मन कर जाता है खाने का। तो टमाटर मेल्ट कर लिए हैं मैंने और प्याज भी हल्के से सिक चुके हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर फ्रेंड ऐड करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे हम यहाँ ऐड करेंगे मैगी। तो मैगी मैंने तोड़ के रखी है वो ऐड करेंगे। आपको यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो पानी ऐड कर लेते हैं उबाल आने के बाद मैगी ऐड करते हैं, मगर मैं थोड़ा सा बना रही हूँ अलग तरीके से। एक बार पहले मैगी को भी तेल के अंदर हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और जब आप तेल के अंदर और टमाटर प्याज में इस तरह से मैगी को हल्का फ्राई कर लेते हैं तो जो मैगी का जो स्वाद है और बढ़ जाता है। अगर आप पानी में डायरेक्ट बॉइल करेंगे तो जो मैगी के अंदर एक स्वाद होता है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैं हमेशा इसी तरह से मैगी बनाती हूँ और बच्चों को बहुत पसंद आती है इस तरह से मैगी, और बच्चों से क्या बड़ों को भी खूब पसंद है मैगी खाना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मैंने तेल के अंदर 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया था मैगी को। और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप इसमें ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि ये थोड़ी सी स्टीम के अंदर ही मैगी जो है फूल जाती है, पक जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल 1/2 कप पानी ऐड किया है, और पानी बिल्कुल भी आपको इस तरह से नहीं दिख रहा होगा, चारों तरफ फैला हुआ बिल्कुल नीचे नीचे की तरफ हल्का सा पानी है। तो यहाँ पे इस तरह से एक बार पानी के अंदर इसको मिला लेंगे, और बिल्कुल कम पानी में, कम स्टीम पे ही ये मैगी फटाफट बन जाती है। और अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो मसाले का जो स्वाद है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और आपकी जो मैगी है ना खिली खिली नहीं बनेगी, हलवा मैगी बनेगी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने करीब लिया है 1 कप पानी, और जो चाय का कप होता है आपका वो 2 कप है, और वैसे बड़ा कप जो होता है कॉफ़ी वाला उसका 1 कप पानी ऐड किया है मैंने। यहाँ ढक्कन लगा देंगे 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट से ज़्यादा ढक्कन नहीं लगाना हमारे को। और देखिए यहाँ पे ये मैगी इस तरह से फूल गई है, और जिस तरह से मैंने आपको तोड़ के कटिंग करके बताया है उसी तरह से आपको मैगी को यहाँ पे रखना है। ज़्यादा आपको इसकी कटिंग नहीं करनी है, नहीं तो मैगी खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा बच्चों को। और यहाँ पे देखिए मैगी फूल चुकी है, तो अब लास्ट में ऐड करेंगे मसाला। और मसाला आप हमेशा कटोरी में से निकाल के फिर ही ऐड करें। अगर आप पाउच इसमें ऐड करते हैं तो भाप की स्टीम से जो मसाला है वो आधा तो पाउच के अंदर ही रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए मसाला ऐड करने के बाद एक बार मिला लेंगे मसाले को भी अच्छे से। और यहाँ पे ये जो पैकेट के अंदर मसाला आया है मैंने यहाँ पे वो ऐड करा है, और वैसे मार्केट के अंदर मैगी मसाला अलग मिलता है, आप चाहें तो उसको भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं।
उससे भी काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है मैगी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैगी मिला लेंगे, मसाला और मैगी दोनों को मिला लिया है अच्छे से और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो लास्ट में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और खुशबू आते ही मैगी की तो मन कर जाता है खाने का। पड़ोस में अगर कहीं मैगी बन रही होती है तो फटाफट से पता चल जाता है कि यहाँ मैगी बन रही है। तो इसकी खुशबू फ्रेंड ऐसी है मसाले की कि अगर आप यहाँ बनाएंगे तो पड़ोसी को ज़रूर खुशबू आएगी कि यहाँ मैगी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए धनिया भी मिला लिया है मैंने और अब आपको मैं दिखा रही हूँ लास्ट में उठा के कि देखिए किस तरह से लंबी लंबी है मैगी हमारी, बिल्कुल चिपचिपी नहीं है, बिल्कुल हलवा नहीं हुई है, एकदम मेल्ट नहीं हुई है। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं मैगी तो बहुत फटाफट से बन जाएगी। तो बन के तैयार है हमारी मसाला मैगी।